नमस्ते दोस्तों, मैं राम बाबू राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कैविटी जुर्मी पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हर रोज नए मेहमान आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी मेघवाल, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे इस आयोजन के बारे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। सर, जुर्मी में ये जो आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, अजमेर, कोटा, शामगढ़, नीमच, ये सभी बड़ी बड़ी टीमें भाग लेने जा रही हैं। रामगंज मंडी के युवाओं के लिए आप इस आयोजन को किस तौर पे देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो दीपावली की आप लोगों को, पूरी टीम को, रामगंज मंडी के क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, नमस्कार। बाबूलाल मेघवाल का प्रणाम स्वीकार करें। जो आपने बताया कबड्डी टूर्नामेंट का, आपका लक्ष्य, आपका रीजन बहुत अच्छा है। एक युवाओं में जागृति आएगी और कबड्डी खेलने से उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा के साथ साथ मैं रामगंज मंडी के युवाओं, जुल्मी के युवाओं, देश का भविष्य मानता हूँ। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत सही है, समाज हित का काम है, उसमें हम सबको साथ मिलके आपका उद्देश्य को निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जुल्मी में ये जो कबड्डी का आयोजन शुरू किया जा रहा है, इससे हम जितनी धनराशि जुटाएंगे वो सारी धनराशि जुल्मी मुक्ति धाम के विकास में खर्च की जाएगी। जुल्मी के युवाओं की इस पहल को आप किस तौर पर देखते हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। आपके कबड्डी खेल से युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के साथ साथ उसका बच्चों का एक टैलेंट जनता के सामने आता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप मुक्ति धाम की बात करते हो तो मुक्ति धाम में तो सरकार का या सरपंच का पहला दायित्व रहता है, वो अपने कोष से पैसा MLA या सांसद उस कोष से देके और मुक्ति धाम को बनाए। ये एक गांव की समस्या नहीं, पूरी रामगंज मंडी क्षेत्र की समस्या है। जहां तक का आपका प्रयास है, आपकी सोच है कि हम कबड्डी के माध्यम से युवाओं को जोड़ें और चीफ गेस्ट बना के और इसमें कुछ पैसा कलेक्शन करके मुक्ति धाम में लगाएं, ये आपकी सोच का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सरकार का दायित्व है, सरपंच का दायित्व है, MLA का दायित्व है कि ये काम हम अपने जवाबदारी से इस काम को करें। अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, अगर इस चीज का मौका मिला तो पूरी रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए जितने भी मुक्तिधाम है, मैं उसमें सबसे पहले तो एक मुक्तिधाम का गेट बनाऊंगा, वहां बैठने के लिए एक कुर्सियों की व्यवस्था हो, मुक्तिधाम का बड़ा चबूतरा हो, एक टीन सेट हो, एक पानी की टंकी या हेड पंप हो, ताकि उसमें क्या गांव वाले सभी को ही वहां एक बैठने की सुविधा मिल सके और आपस में बैठकर चर्चा कर सके। ये मेरा काम नहीं है, ये गांव वालों का, हर गांव का अधिकार है। मुक्ति धाम एक आखिरी धाम होता है, एक दिन सबको वहां जाना होता है और इस बात को कभी भी ये कड़ी सच्चाई है, इसको नकारना नहीं चाहिए। जितना अपना सुंदर अपना मकान जो जिसमें रह रहे हैं वो है, मैं चाहता हूँ असली मकान तो हमारा मुक्तिधाम है, इसमें तो हम निवास करते हैं और वो हमारा आखिरी मुक्तिधाम है। आपकी भावना और आपने जो विजन उठाया, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। आप सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि अभी अभी जैसा हमारे मेहमान ने हमसे बताया है कि मुक्ति धाम हर आदमी का आखिरी मकान होता है, हर गांव का मुक्ति धाम और हर वो मकान अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, खंडर बने हुए हैं। हमारे मेहमान ने मुद्दा उठाया है कि उस मकान को हमें सुंदर और अच्छा बनाना है। ये पहल जो हमने शुरू की है दोस्त, सिर्फ एक जिले के गांव के लिए नहीं, हर गांव के लिए आप सभी को आगे आना होगा और हर मुक्ति धाम को के मकान को इतना अच्छा बनाना होगा जिसका सपना हमारे मेहमान ने देखा है। इनकी कोशिश, इनका साथ, इनका समर्थन हमें लगातार मिला हुआ है।
और इन्होंने जैसा कि हमें बताया है कि जब भी इनको मौका मिलेगा ये आगे आकर हर गांव के मुक्ति धाम को सही करने में, अच्छा बनाने में हम सबकी मदद करेंगे। हमारे मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री बाबूलाल जी मेघवाल, जिन्होंने अपने विचार जुर्मी कबड्डी और इस आयोजन के बारे में आप सभी दर्शकों के सामने रखे। दोस्तों, आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद।